नमस्कार, मैं रत्नेश चंचल एक छोटी सी कविता एक छोटी सी रचना लेकर आपके बीच में बैठा हूं। दरअसल कल अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ लोकसभा 2019 को लेकर। बाकी सब तो ठीक है, सारी पार्टियां तरह तरह के वादे लेकर सामने आती हैं, दावा करती हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक पॉइंट ऐसा है जिसे हमें ही नहीं लगभग पूरे देश को आपत्ति है। इस पे बहुत लंबी बहस भी चल रही है कि देशद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा, कश्मीर से सेना वापस आ जाएगी, कम कर दिया जाएगा। ये इसी विषय पर एक छोटी सी रचना अभी बन गई है कि कानून नहीं अब राष्ट्रद्रोह का चर्चा भी बेमानी होगी, कानून नहीं अब राष्ट्रद्रोह का चर्चा भी बेमानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी। कानून नहीं अब राष्ट्रद्रोह का चर्चा भी बेमानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी। घोषणा पत्र पर प्रश्न चिन्ह है, घोषणा पत्र पर प्रश्न चिन्ह है, सेना भी हैरान खड़ी है, घाटी वाले अब्दुल्ला की अधरों पर मुस्कान पड़ी है। उमर अब्दुल्ला ने इसका समर्थन किया है बहुत खुश होकर कि घोषणा पत्र पर प्रश्न चिन्ह है, सेना भी हैरान खड़ी है, घाटी वाले अब्दुल्ला की अधरों पर मुस्कान पड़ी है। सेकुलरवाद की आड़ में फिर से अफजल की मनमानी होगी, सेकुलरवाद की आड़ में फिर से अफजल की मनमानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी। राजनीति बेशर्मी की अब सीमा रेखा तोड़ चुकी है, राजनीति बेशर्मी की अब सीमा रेखा तोड़ चुकी है, लहर सियासी लोकतंत्र के धारा को ही मोड़ चुकी है। राजनीति बेशर्मी की अब सीमा रेखा तोड़ चुकी है, लहर सियासी लोकतंत्र के धारा को ही मोड़ चुकी है। बोतल दिखता भले नया पर वही शराब पुरानी होगी, बोतल दिखता भले नया पर वही शराब पुरानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी। 26/11 फिर से होगा, 26/11 फिर से होगा, हम चुप तमाशा देखेंगे, 26/11 फिर से होगा, हम मूक तमाशा देखेंगे, पाकिस्तान समर्थक सारे सरेआम हथगोला फेंकेंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की सबसे अलग कहानी होगी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की सबसे अलग कहानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी, वापस घर सत्ता में फिर से पार्टी जो खानदानी होगी। जय हिंद, जय भारत।